हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हो ये है आज सुबह का न्यूज़पेपर का आर्टिकल। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस आर्टिकल के ऊपर वीडियो बनाने में, बट अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ये न्यूज़ आपके साथ शेयर किया जाए। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये आर्टिकल सुबह ही न्यूज़ में पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ये वीडियो में पूरा ये जो एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा जो डिस्कशन करेंगे हम इसके ऊपर। सबसे पहले तो ये टॉपिक है किसके लिए, तो देखिए ये जो है वो फीस जिस तरह से बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर मैं सिर्फ निर्मा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आज से दो साल पहले इट वुड बी अराउंड 1.81 लाख, यानी कि 1,81,000 था, ठीक है। आज के तारीख में देखिए तो वो कितना हो गया है 204, यानी कि 204,000 इसने बढ़ा दिया है। तो ये हर बार का है, मतलब हर साल यहाँ पे फीस बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर क्या कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। हेडलाइन क्या बता रही है कि फी कमिटी द्वारा 3 वर्षना नवा निर्धारण माटे एसओपी जाहिर, वधु फी मांगती टेक्निकल संस्थाओं हवे एक्सपर्ट कमिटी तपास में जसे। अब क्या कुछ लिखा है नीचे, तो फी रेगुलेशन कमिटी द्वारा राज्यनी खानगी टेक्निकल कॉलेज यूनिवर्सिटीओं में फी निर्धारण माटे नवी एसओपी गाइडलाइन जाहरात रचाई छे, जेमा वधु फी मांगती मोटी खानगी संस्थाओं ने वधु फी आपी सकाई ते माटे नाणाकीय खर्चा अन्य फाइनेंशियल डेटा उपरांत विविध मापदंडों ने आधारे 500 वेटेज स्कोर नक्की करायल छे, जे मुजब कॉलेज यूनिवर्सिटी में सरकारी कॉलेज ना प्रोफेसरो एक्सपर्ट कमिटी ने तपास माटे जसे। अब पूरा मामला है क्या, तो देखिए यहाँ पे गुजरात के अंदर एक है फी रेगुलेशन कमेटी, वो क्या करती है कि वो कॉलेज की फीस के ऊपर ध्यान रखती है कि कौन कितनी फीस बढ़ा रहा है, कौन कितनी फीस ले रहा है, ठीक है। तो इसने एक नई यहाँ पे एसओपी डिक्लेयर की है। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, यानी कि किस तरह से आप इस पर आगे बढ़ पाओगे। उसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि आपको ये करना होता है, यहाँ पे ये फॉलो करना होता है, ये रूल्स होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर। तो उसके अंदर इन लोगों ने एक गाइडलाइन दी है कि जिस तरह से ये जो कॉलेज अपनी हर साल फीस बढ़ा रही है, तो उसके लिए यहाँ पे 500 वेटेज पॉइंट का एक स्कोर डिसाइड किया है और उसके ऊपर यहाँ पे असेसमेंट होगा, रिव्यू होगा, और उसके बाद यहाँ पे एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा और उसके बाद एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। फी कमेटी द्वारा प्लेसमेंट एक्रीडिटेशन सहित ना 8 मापदंडों ने आधारे 500 वेटेड स्कोर नक्की कराया। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये पॉइंट कवर कर लिया है कि एक यहाँ पे रिव्यू होगा, एक यहाँ पे डिस्कशन होगा। नीचे क्या कुछ लिखा है कि फी रेगुलेशन कमेटी द्वारा टेक्निकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 8 नवा मापदंडों मुजब 500 वेटेड स्कोर नक्की करवामां आवेल छे। फाइनेंशियल खर्चा उपरांत इनकम टैक्स रिटर्न सहित अन्य दस्तावेज हवे फी गणतरी में आ 8 मापदंडों ने पण ध्यान में लेवाशे, जेमा बिल्डिंग अने इंफ्रास्ट्रक्चर ना 125, एकेडमिक एक्सेलेंस अने परफॉर्मेंस ना 100। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स रखे हम ऊपर देख लेते हैं। एक्रीडिटेशन ना 20, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ना 20, तेमज स्टाफ क्वालिफिकेशन एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ना 150। तो कुल मिला के ये है। और इसके अलावा यहाँ पे विद्यार्थी माटे ना आर्थिक सहाय प्रोग्राम ना 50, स्टूडेंट परफॉर्मेंस ना 50 अने कम्प्लायंस सर्विसेस ना 20 सहित कुल 500 स्कोर नक्की करवामां आव्यो छे। यहाँ पे हर एक स्कोर बहुत ही डिटेल में बारीकी से यहाँ पे दिखाई दे रही है, किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्लेसमेंट, वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे वो करते हैं, वो सब कुछ। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिसाइड किया है। एक्सपर्ट कमिटी आ स्कोर ना आधारे रूबरू तपास में जैसे अने स्कोरिंग चलावती संस्थाओनी जुदी जुदी फीस ने लईने, एक मिनट यहाँ पे ऊपर, हाँ आपसे सौथी वधु स्कोर धरावती संस्थाओने फी गणतरी में इंसेंटिव अपाशे। एक ज प्रकारनो कोर्स प्रोग्राम चलावती संस्थाओनी जुदी जुदी फीस ने लईने फीस में समानता रहे अने मोटी संस्थाओने अन्याय ना थाय ते माटे आ मापदंडो नक्की कराया छे। परंतु आ मापदंडो मुजब मोटी खानगी यूनिवर्सिटीओ फी पण वधी सके छे। तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या निकल के आया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक कमिटी है कि जो इसके ऊपर नजर रखती है, उसने क्या किया कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि जिसके ऊपर से यहाँ पे एक स्कोर कार्ड देंगे। वो स्कोर कार्ड के अंदर क्या होगा, स्कोर कार्ड के अंदर यहाँ पे सब कुछ आपको स्कोर, मतलब वो देंगे जो कमिटी, जिसने कमिटी मेंबर्स होंगे। वो कमिटी मेंबर्स में कौन कौन से होंगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल में ऑलरेडी लिखा है कि जो लोग, मतलब अभी के जो गवर्नमेंट के प्रोफेसर है, वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ये जो कमिटी क्रिएट होगी उसके यहाँ पे मेंबर्स रहने वाले हैं।
वो यहाँ पे कैंपस विजिट में ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे मूल्यांकन असेसमेंट होगा और उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। इसके यहाँ पे नीचे एक और आर्टिकल लिखा है कि जिसके ऊपर मैं आपको नजर लेना चाहूंगा, गैर लायक नामंजूर स्टाफ ने चुकवेल पगार खर्च में नहीं लेवाई, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा है कि जितने भी यहाँ पे प्राइवेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो उन लोगों ने यहाँ पे फी रेगुलेशन कमेटी के उसके साइड से 2023-24 इसके अलावा 25-26 यानी कि त्रण नवा वर्षनी फी गणतरीनी जोगवाई जाहिर कराई छे। आ नवी एसओपी मुजब टेक्निकल कॉलेजना यूनिवर्सिटीओने गैरलायक स्टाफ अने वधारना स्टाफ ने चूकवेल पगार खर्चमां ध्यानमां नहीं लेवाई। तो यहां पे होता क्या है कि जो भी ऐसे पॉइंट्स रहते हैं कि जहाँ पे कॉलेज जान पूछ के यहाँ पे ज्यादा दिखाती है कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। तो इन तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे ज्यादा यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारी जो खर्चे है वो इतने ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, थीके? तो इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके उपरांत यहाँ पे एसओपी मुजब विद्यार्थी डेट खर्च में रिपेरिंग मेंटेनेंस सहित केटला खर्च ने बात करवामां आवशे अने कॉलेज नी फी गणतरी भरायेल बैठक मुजब नहीं परंतु मंजूर बैठक मुजब करशे। तो ये सारे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में आवेली 600 थी वधु खानगी टेक्निकल कॉलेज खानगी यूनिवर्सिटी दर 3 वर्षे नवी फी नक्की करवामां आवशे। कोरोना में गत 3 वर्षनी फी ब्लॉक नक्की कराई न हती ज्यारे हवे 6 वर्षनी फी निर्धारण थनार होई छे। आगामी 3 वर्षना ब्लॉक माटे फीस रेग्युलेशन कमिटी द्वारा नवी एसओपी जाहिर करवामां आवशे जेमां कॉलेजनी स्थायी मिलकत ना दसारानी गणतरी माटे टकावार दर नक्की कराई छे, जेमां बिल्डिंगना 5%, फर्निचर अने अन्य साधनोना 15%, कॉम्प्यूटर्सना 33%, बुक्सना भी 33%, अन्य माटे 15% यहाँ पे डिसाइड हुआ है। इसके अलावा नई जो एसओपी आ रही है उसके अंदर क्या कुछ है कि विद्यार्थी डेट खर्च में विविध बाबतों ने ध्यान में पण लेवाशे और इसके लिए 20% गेस्ट विजिटिंग फैकल्टी ना पगार ने पण ध्यान में लेवाशे। एसओपी मुजब जिमखाना, लाइब्रेरी, इंटरनेट, ट्यूशन फी, स्पोर्ट्स फी, लेबोरेटरीज फी, कॉम्प्यूटर फी सहित फीस आवक खर्च में बाहर थशे। तो अभी के लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ मिल रही है हमें यहाँ पर से, तो आर्टिकल से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हाँ कोई तो यहाँ पे है कि जो केयर कर रहा है इन सब के लिए और कहीं पर तो जाके ये फीस का जो कंटिन्यूसली जो अप जा रहा है वो कहीं पर तो स्टॉप होगा। तो ये अभी तक तो हमें बहुत अच्छा लगा है, बट पता नहीं ये कि कब ये एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा। लास्ट में आपका यहाँ पे ये ध्यान आपका यहाँ पे लेके जाऊंगा, नॉन सैलरी रेवेन्यू खर्च में हवे आ खर्च नहीं गणाय, यानी कि कौन कौन से कोस्ट को एक्सक्लूड कर दिया कि जिसके अंदर ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी ये सबको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। कायदा किया लीगल खर्चा हो, कॉलेज ने थाना कोई पण दर्द नो खर्च, बिल्डिंग रिपेयरिंग, विद्यार्थी ना कोर्स शिक्षण सिवाय ना अन्य कोई पण प्रोग्राम माटे थयेला खर्चा, होस्टेल अने मेस ना खर्चा, इसके अलावा यहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटी, जाहिरत ना खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन अने ते संबंधित खर्चा, ट्रस्ट के तेना सभ्यों माटे ना सीधा खर्चा, कमिटी द्वारा ना मंजूर होई के अन्य ध्याने न लेवाता होई ते प्रकारना कोई पण खर्चा, विद्यार्थी ने अपाती स्कॉलरशिप आर्थिक सहित ना आर्थिक खर्चा, विद्यार्थी नी फी में समावेश न होई तेवी रकम ना खर्चा, व्याज के अन्य नाणाकीय खर्चा, नॉन सैलरी रेवेन्यू खर्चा टोटल खर्चा ना 45% थी वधारे न चालवा जोईए। तो ये सब कुछ यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल यहाँ पे पूरा आर्टिकल यही बताता है कि एक यहाँ पे रेगुलेशन कमेटी यहाँ पे होगी कि जिसके अंदर बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे पर्सन को रखेंगे, बेसिस वेरियस असेसमेंट करेंगे, बहुत सारे मतलब यहाँ पे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्कोर कार्ड जनरेट होगा। अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहता है तो फिर यहाँ पे ये जो फी रेगुलेशन कमेटी है वो आगे चल के मतलब परमिशन देगी कि आप अपनी फीस बढ़ा सकते हो। बट अगर यहाँ पे ये जो कमेटी है वो ऐसा बोलती है कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मतलब उसके साइड से कोई भी अप्रूवल नहीं आता है, तो फिर जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज है वो अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और इसके अलावा भी यहाँ पे छोटे छोटे सारे पॉइंट्स की कहाँ पे कॉलेज को इंक्लूड किया और कहाँ पे कॉलेज के खर्चे को एक्सक्लूड किया है वो भी यहाँ पे आपको समझाया गया है। तो ये भी अच्छी बात है और मुझे बेस्ट बात क्या लगी कि यहाँ पे जो भी मतलब फालतू के खर्चे थे उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब ये रहता है कि होता क्या है कि कॉलेज पहले कुछ भी दिखा करके यहाँ पे जो फीस है वो
बढ़ा ले रही थी, बट अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि इतने इतने पॉइंट्स पे आप अपने खर्चे नहीं दिखा सकते हो, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल से काफ़ी आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी यहाँ पे बात हुई है सारे स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।